हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अमित वर्ष में। मैं हूँ आपका दोस्त अमित। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हाँ, जैसा लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग कुतुब मीनार गए हुए थे घूमने, मैं अपनी मम्मी और सिस्टर लोगों के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारा काफ़ी जगह जाने का मन था, हम लोग और जगह मैंने प्लान किया था कि इन लोगों को घुमा दूंगा, बट मैं नहीं जा पाया क्योंकि यार मैं पड़ गया बीमार। मैं ही पड़ा सबसे पहले, फिर दीदी भी बीमार पड़ गई थी। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से सबको बुखार जुकाम, समझ में नहीं आया। मेरा तो गला अभी भी नहीं ठीक है, देख सकते हो मेरी आवाज़ अभी भी थोड़ी भारी भारी हो रही है, और मेरे को जुकाम भी है। खैर फीवर तो नहीं आया है, बाकी बॉडी में बहुत बहुत वो क्या कहते हैं उसको, आलस बहुत है, थकान बहुत है। मन करता है कि बस पूरे दिन लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो, उठने का मन ही नहीं करता, कोई काम करने का मन नहीं करता है। ठीक, इसी चक्कर में इस पूरे मंथ में आज 10 तारीख हो गई, 10 अप्रैल हो गई, मैंने सिर्फ 2 वीडियो डाले हैं, एक वो एम्बियंस मॉल वाला और एक कुतुब मीनार गया था, वो बस मैंने वीडियो ही नहीं बना पाया। तबीयत ही नहीं ठीक है, मैं क्या करूँ। ठीक, तो आज भी मेरा कोई ख़ास मन नहीं था वीडियो बनाने का, मैंने कि क्या ही बनाऊँगा, बट मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत कुछ बना लेते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे कुछ बनाया नहीं था। पता नहीं हुआ अचानक से क्या हुआ है, तबीयत को समझ नहीं आ रहा है। बुखार तो नहीं आया है खैर कल से, बट शरीर में बहुत आलस है, पूरे पूरे दिन लेटा रहता हूँ, ऑफिस में भी बैठता हूँ जाके मन नहीं करता है वहाँ पर बैठने का। मैंने सोचा था आज कल ऑफिस में ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, सुबह में जल्दी भी आ गया था ऑफिस से, मैंने सोचा था आज ब्लड टेस्ट करा लूँगा, फीवर रहा तो, बट अभी सो करके उठा था, अभी बज रहा है दोपहर का, 2:30 कुछ बज रहा है, तो बुखार तो नहीं आ रहा है और अब उतना आलस भी नहीं लग रहा है शरीर में, तो अभी खैर नहीं कराऊंगा ब्लड टेस्ट, आज और देख लेता हूँ। अगर आज भी ऑफिस में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, थकान ज़्यादा महसूस हुई या फीवर वीवर आया, तो कल 110% ब्लड टेस्ट कराऊंगा, चाहे कल मुझे फीवर हो चाहे ना हो, तो उससे पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी तो सब ठीक है यार। अभी सो करके उठे थे और सोच रहा हूँ आज खाने का कुछ बना लेता हूँ, भूख लग रही थी, तो अभी जाऊँगा नीचे, नीचे से रोटी पैक करा लाऊँगा और सब्ज़ी यहाँ पर बना लूँगा। वैसे मेरे पास आटा रखा हुआ है बनाने को, मैं रोटी बना सकता हूँ, बट मैं नहीं बनाऊँगा, सब्ज़ी बना लूँगा और नीचे से जाके रोटी पैक करा लूँगा। ठीक है, तो थोड़ी देर में बात करते हैं, तब तक मैं थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश हो लेता हूँ। तो अभी भी फ्रेश हो गया था, ब्रश वगैरह करके हाथ मुँह धुल लिया था, सोच रहा था कि बोला था जैसे मैं रोटी लेके आऊँगा, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि रोटियाँ भी ना लेके आऊँ, शाम को जब ऑफिस जाऊंगा ना 7 बजे करीब, तो रोटियां पैक करा लूंगा बाहर से और सब्जी यहाँ से बना लूंगा। वैसे तो हम सारे दोस्त मिलके खाना खाते हैं जैसे मैंने बताया था, बट अभी मेरा कोई दोस्त भी ऑफिस नहीं आ रहा है। वो मेरी एक फ्रेंड थी जिसे मैं आनंद विहार छोड़ने गया था, वो भी बीमार है, वो भी नहीं आ रही है। एक और फ्रेंड है मेरा सत्या, वो भी बीमार है, वो भी नहीं आ रहा है, तो मुझे अकेले लंच करना पड़ेगा। वैसे तो ऑफिस में मिल जाएगा लंच, बट मैं बना के ले जाता हूँ अपना, डेली डेली क्या खर्चा करना, सब्जी बना लूँगा, रोटी बाहर से पैक करा लूँगा। तो अभी क्या करूँगा, अभी एक ये रखा हुआ है कप नूडल, ये वाला ना, इसको मैं भी गर्म पानी में बना के और इसको खा लूँगा। अभी जा रहा हूँ नीचे, पहले एक पैकेट दूध ले आऊँ, ये कल मैंने चाय बनाई थी, चाय कल की पड़ी हुई है देखो, तो मैं ये कप नूडल खा लूँगा एक, और नीचे से दूध ले आता हूँ, एक गिलास दूध पी लूँगा। वैसे तो चाय पीता बट चाय नहीं पीऊँगा, दूध पीऊँगा क्योंकि शरीर में थोड़ी सी एनर्जी कम है तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। एक बॉर्नविटा ले आऊँगा क्योंकि दूध मैं सादा नहीं पीता हूँ, सादा मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो चलते हैं नीचे, दूध और बॉर्नविटा लेके आते हैं, देन फिर इसको बना के इसको खा लेंगे। भैया एक आधा लीटर वाला दूध दे देना, बॉर्नविटा होगा छोटा पैकेट हो, देखा एंगल्स निकाल दो, दो वो वाले निकालना जो इधर टंगे, इधर इधर सामने सामने, हाँ दो दे दो, और एक एवरेस्ट की लाल मिर्च दे देना, वो पैकेट उसका छोटा वाला ही देना। को भी यहीं रख जा रहा हूँ भैया, मैं बॉर्नविटा ले आऊँ, ठीक है आके उठा लूँगा। कितने का है? 2 का पैकेट और बॉर्नविटा
ले आया इतनी सारी चीज़ें। ये वाली नमकीन अच्छी लगती है, दो पैकेट इसके ले आए। ये रहा अपना बॉर्नवीटा, ये रहा अपना दूध, और ये ख़त्म हो गया था लाल मिर्च पाउडर, तो ये भी ले आया। थोड़े ही लाया क्योंकि कम ही यूज़ करता हूँ, अब ये एक डेढ़ महीना चल जाएगा, बहुत थोड़ा थोड़ा डालता हूँ। तो सबसे पहले इन सबको साइड करके इसको बनाने के लिए पानी गर्म कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा, ठीक है। तो ये अपना पानी गर्म हो रहा है, तब तक तो क्या करता हूँ सब जल्दी जल्दी सारा सामान सेट कर लेता हूँ। नमकीन भर देता हूँ डिब्बे में और दूध को इधर रख देता हूँ। बाकी दूध के लिए धुलना है, इसके अलावा दूध गर्म ही नहीं हो पाएगा। इसके ऊपर डाल देता हूँ, तो धुल लूँगा भाई, बर्तन लगा देता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी ख़त्म करके फिर मिलता हूँ। तो हाँ भाई, अपना पानी भी गर्म हो गया, बाकी इसमें मैंने बॉर्नवीटा भर दिया, ये रही अपनी नमकीन और ये लाल मिर्च भर दी, थोड़ी सी बची थी निकाल ली, खा लूँगा इसके साथ, ठीक है। इसको बंद करके यहाँ लगा देता हूँ। तो अब ये रेडी है, अब बस ये गर्म पानी को इसमें डाल के 5 मिनट रखता हूँ, फिर इसे खाता हूँ, ठीक है। तो हाँ भाई, हमने ये बना लिया था, ये अपना बन के रेडी हो गया है, कप नूडल मस्त। इसको खा लेता हूँ एक पैकेट, ये दो पैकेट लाया था, एक खा लिया, एक वो दूध से खा लूँगा रखा हुआ है, और थोड़ी सी नमकीन रह गई थी, तो इनको खा लेता हूँ क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़। उसके बाद जाके वो दूध वाला बर्तन धुल के दूध गर्म करके एक गिलास दूध पी लूँगा, बस फिर देखूँगा ऑफिस के लिए कुछ बना लूँगा, ठीक है। तो खा लेता हूँ फिर बात करता हूँ आपसे। सो हाँ भाई, खा के अपना खा पी के मैं सो गया था, मेरे को नींद आ गई थी। अभी बज रहा है करीब करीब 5:30, उठा हूँ ये बर्तन मैंने धुल के, और ये दूध गर्म हो रहा है इसमें, गर्म हो जाता है, इसके बाद एक गिलास दूध पीऊँगा, देन फिर अपने लिए ऑफिस के लिए ले जाने के लिए सब्जी बना लूँगा। अब सोच रहा हूँ क्या बनाऊँ, आलू रखा हुआ है, टमाटर रखा हुआ है, गोभी रखी हुई है, सोच रहा हूँ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना लूँगा सूखी सूखी, और जाते टाइम यहाँ बाहर से रोटी 4-5 पैक करा लूँगा, तो मेरे लिए लंच हो जाएगा, ठीक है। बाकी दूध गर्म हो रहा है, इसको गर्म कर लेते हैं, ग्लास में डालते हैं और पीते हैं। तो हाँ भाई, अपना बन के रेडी है बॉर्नवीटा वाला दूध, अब इसको पीते हैं आराम से, और एक ये पैकेट बचा हुआ है इसको खा लूँगा इसके साथ। बाकी फिर आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद, अपने लिए सब्जी वब्जी बना लूँगा, जब ऑफिस के लिए रेडी होगा तब बात करेंगे, ठीक है। तो हाँ भाई, अपनी सब्जी बना ली मैंने ऑफिस ले जाने के लिए, गोभी आलू, ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है 7 बजने में, करीब करीब 10 मिनट हैं, तो मैं निकलूँगा वही 7:30-8 के आसपास यहाँ से। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा रूम वूम साफ करके कर लेता हूँ और रेडी हो जाता हूँ, और फिर रेडी होकर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। सो हाँ फ्रेंड्स, अपने हो चुके हैं रेडी ऑफिस निकलने के लिए, बाकी ये अपनी सब्जी पैक कर ली है इसमें बॉक्स में, इसको रख लूँगा अभी इस बैग में, ठीक है। और ये दूध भी मैंने अभी गर्म कर दिया क्योंकि फ्रिज है नहीं मेरे पास, अब मैं सुबह आऊँगा तो सुबह तक दूध ख़राब हो जाता है, तो गर्म करके रख जाता हूँ तो ख़राब नहीं होगा, सुबह आके इसी की चाय बना लूँगा। सोचा था मैंने रोटी पैक करा लूँगा बाहर से, बट रोटी बाहर से नहीं पैक करा रहा हूँ, सीधे मैं जाऊँगा ऑफिस कैंटीन में, जब खाना खाऊँगा तो कैंटीन से रोटी ले लूँगा, वहाँ भी 5 रुपये की एक रोटी पड़ती है, यहाँ भी 5 रुपये की एक रोटी पड़ती है। अभी लेट हो गया हूँ तो सीधे ऑफिस निकल जाता हूँ, ठीक। तो ठीक है फिर फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो अमित वर्ष को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिए।